दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्टीमेट मैकेनिकल इंजीनियर। मैं रोहित इंगले आज आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन काम कैसे करती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दी गई है हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो जो ये आप नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं इस हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन का बेड बोलते हैं। नेक्स्ट टू दिस यहाँ जो आप ये रोलर देख रहे हैं, ये रोलर कहलाते हैं हमारे बेंडिंग वाइस या फिर बेंडिंग डाई। ये हमारे बेंडिंग डाई दो लगे हुए हैं और ये है रैम डाई। आप देख सकते हैं इसमें एक कर्व दिया हुआ है और एक ग्रूव बन रखा है, ये हमारी रैम डाई है। आप देख सकते हैं पास से देखो, ये रैम डाई क्यों कहलाती है? रैम एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है आगे पीछे, तो ये जो डाई है ये हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन देती है, इसलिए इसे हम कहते हैं रैम। साथ ही ऊपर में आप यहां देखेंगे ये जो पोर्शन लग रहा है ये है अलग से क्लैंपिंग वाइस है जो इसे क्लैंप करता है, इसकी पोजीशन फिक्स करता है। यहां पे आप देख रहे होंगे ढेर सारे ड्रिल दिए रखे, ये ड्रिल स्टैंडर्ड साइज के कि आपके जो रोलर डाई है वो कहां प्लेस की जाएंगे, किस साइज के लिए, ठीक है। ये मशीन बेसिकली बेंडिंग करती है ऑफ एनी पाइप। अब हम उस पाइप को बेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने डिग्री से बेंड करना है, वो हमारी रैम डाई पे डिपेंड है। आप यहां देखेंगे हमारी जो रैम डाई है इसका एक सर्टेन कर्व बन रहा है। अगर मुझे बेंडिंग ज्यादा बड़े इस पे चाहिए तो मेरी जो डाई अलग से मार्केट में मिलेगी वो बड़े सर्कल की होगी और उसका जो सर्कल रहेगा मतलब कह सकते हैं रेडियस रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा, तो वो इस वे से हम लोग बड़े पाइप्स को बेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि हाइड्रोलिक फोर्स अप्लाई करने में मदद करता है। इसमें ये जो पोर्ट दिख रहा है ऑयल इनलेट पोर्ट है, इसमें हम ऑयल डालते हैं। साथ ही इसमें एक पिस्टन का अरेंजमेंट रहता है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड को कंप्रेस करके इस रैम डाई को आगे की ओर फोर्सफुली बढ़ाता है। यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है ये वॉल्व है एक तरीके का जो कि हमारे इस मतलब चेम्बर को एक्चुएट करवाने में, इसको चालू करवाने में मदद करता है। ये एक लीवर है, ये लीवर जो है ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है और जो ह्यूमन एफर्ट है उसको हाइड्रोलिक एफर्ट में कन्वर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वॉल्व को हम अभी ओपन कर देते हैं, मतलब अभी ये वर्क नहीं करेगा, इसके मोशन से आपका जो रैम डाई है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर एक पाइप सीधा पाइप स्ट्रेट पाइप तो मैं इससे प्लेस करूंगा और ये डाई यहां रखूंगा सेंटर पर, फिर इसके बाद इसको मैं ऐसे बंद रखूंगा। आगे आप देखेंगे कि मैं इस वॉल्व को फिर क्लोज कर दूंगा, क्लोज करते से ही हमारा ये जो वॉल्व है ये इसको एक्चुएट करने में, अब जितना भी मैं लीवर से फोर्स लगाऊंगा वो इसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जैसे मैं इसे आगे बढ़ाता हूं ये आगे बढ़ रहा है, मैं अभी इस क्लैंप वाइज को खोल के दिखाऊं, देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है। इस वे में ये कोई भी अगर मान लीजिए यहां स्ट्रेट पाइप है तो उस पाइप को बेंड कर दे। अब जैसे कि मेरा पाइप बेंड हो गया है तो उसके बाद मैं इस पाइप को निकालने के लिए इसको वापस कैसे लूंगा, इसको वापस लेने के लिए वॉल्व जो है हमारा इसको मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे पिस्टन वापस आना शुरू, ये पिस्टन वापस आया इसलिए क्योंकि ये जो वॉल्व का जो मोर प्रेशर, जिसमें दो चेम्बर है बेसिकली, एक में ज्यादा प्रेशर है एक में कम प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर मेरे लीवर के कारण जनरेट हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जैसे वॉल्व खोल रहा हूँ तो इन दोनों के बीच का पैसेज खुल जाता है और हाई प्रेशर चेम्बर से फ्लूइड जो है वो लो प्रेशर चेम्बर में चला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं, इसमें हम डॉट फ्लूइड यूज करते हैं जो कि एक तरीके का हाइड्रोलिक फ्लूइड है और वो इस मैकेनिज्म में यूज किया जाता है।
हाइड्रोलिक फ्लूड वो इसलिए है क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब मैं जितना हाइड्रोलिक मतलब फोर्स ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो पूरा वो हाइड्रोलिक फ्लूड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें लॉसेस बहुत ही कम होंगे या मिनिमम होंगे। तो चलिए आज इतना ही, हम यहाँ खत्म करते हैं हमारे हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन को। तो धन्यवाद।